और लाख बुरे हैं हम। हमारे ही मेडिकल कॉलेज की इमारत इस्तेमाल हुई कोरोना ने। अरे कितना चाट हो गया, अब तो तुम्हारी जबान भी निकल के लटक गई होगी। देखो ये इतनी लाइन खींच गई, अब जब सरकार बदलेगी तो लंबी लाइन तो खींचेगी। लंबी लाइन कौन खींचेगा? लाल किला पेट में रख लिया। अच्छा ताजमहल नहीं रखे ना, वहां फातिहा ना पढ़ने आ जाए कोई। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान इन दिनों रामपुर के नगरपालिका परिषद के चुनावों के प्रचार में जुटे हुए हैं और नुक्कड़ सभाओं में भाषण दे रहे हैं और लगातार अपनी तीखी शैली में विवादित बोल बोल रहे हैं। रामपुर के मोहल्ला नालापार की नुक्कड़ सभा में आजम खान ने अपनी सरकार वापस आने का सपना दिखाया और कहा कि जो कुछ इस सरकार में जुल्म हुए हैं अगली सरकार इससे भी लंबी लकीर खींचेगी। और क्या कुछ कहा आजम खान ने, आपको सुनिए उनकी जुबानी। यही जिंदगी का निजाम है, अच्छे लोग नहीं तो बुरे लोग कैसे रह जाएंगे। जिन गुरु ने यह समझ लिया है कि वो इख्तदार का पट्टा लिखवा कर आए हैं, ऐसा नहीं है। हमने मिस्टर इंदिरा गांधी का भी दौर देखा, राजीव गांधी से ज्यादा तो किसी के पास एमपी थे ही नहीं, तीसरे भी नहीं मिले उनके। तो जब कुदरत इंतकाम देती है तो ऐसा होता है कि संजय गांधी होते हैं जिंदा और मिलते हैं नीचे हिस्सों में। कुदरत का इंतकाम रास होता है और जब अल्लाह किसी पर मेहरबान होता है तो हेलीकॉप्टर उड़ता है बुलंदियों तक आखिरी और पर टूट के निकल जाता है और हेलीकॉप्टर फिर भी वापस नीचे उतर आता है। हालांकि हम तो उस हेलीकॉप्टर में ये सोचते थे कि अल्लाह क्या चीज दफन होगी, हमारी राख भी कहां मिलेगी, दफन क्या होगा। लेकिन देखो जाकूरा के साइया मार सके। आरपीएस बंद कर दिया गया और खारी करा लिया गया, उसमें अब सरान के बच्चे भी हैं, पुलिस वालों के, सरकारी मुलाजमीन के, क्योंकि पुलिस लाइन सामने है इसलिए पुलिस वालों के बच्चे बहुत तादाद में हैं वहां। कितनी मामूली फीस में कितनी अच्छी वहां तालीम दी जाती है, खाली करा दी। कहीं दुनिया में नहीं सुना होगा, आपका संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, दस्तूरी हक है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपके इलाज का इंतजाम करे और आपकी शिक्षा का इंतजाम करे। इलाज का इंतजाम भी हमने कर दिया तो अस्पताल बन गया, वरना ऑक्सीजन यहां नहीं मिलती, न जाने कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प के मर गए होते हैं। और लाख बुरे हैं हम, हमारे ही मेडिकल कॉलेज की इमारत इस्तेमाल हुई कोरोना ने। अरे कितना चाट हो गया, अब तो तुम्हारी जबान भी निकल के लटक गई होगी। अच्छा हम आपसे वायदा करते हैं इंशाल्लाह सरकार भी बनेगी, ₹1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई, 1975 में जब हम गिरफ्तार हुए, तुम्हारे तुझसे भी छोटी उम्र के थे और बनारस जेल में ये बात आम थी कि आप कभी नहीं छूटेंगे, हमेशा बंद रहेंगे और मार दिए जाएंगे। स्लो पॉइजनिंग तो शुरू हो गई थी, घी में जहर दिया जाता था, मार दिए जाएंगे। लेकिन 1.5 साल के अंदर ऐसा तख्ता पलटा कि पार्लियामेंट ने मिसेज इंदिरा गांधी की मेंबरशिप खारिज कर दी, पासपोर्ट जब्त कर लिया, हिंदुस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी, पार्लियामेंट भंग हुई और हिंदुस्तान की सारी असेंबलियां डिसॉल्व हो गई।
सारी सुन जब आप पहली बार तो कब तवे से रोटी पलट जाएगी कुछ नहीं पता। नारे पार वालों, जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं और जिन्होंने तुम्हारी ठोकरें मारी हैं, यही तुम्हें खड़े होकर इसी गुड़ से सैल्यूट किया। ये 40-42 साल की सियासी जिंदगी का तजुर्बा यही है। देखो भाई, ये तो उसके साथ हैं जिसकी सरकार है। अब इन्हें मालूम हो गया कि यहां तक नेता ज्यादती करा सकते हैं, अब इससे आगे की आने वाली सरकार कराएगी। समझते हो गया मतलब? नहीं समझ में आया? देखो ये इतनी लाइन खींच गई, अब जब सरकार बदलेगी तो लंबी लाइन तो खींचेगी, खींचेगी लंबी लाइन। कौन खींचेगा? पैसा ना कल कम था ना इंशाल्लाह कल कम होगा। बहुत पैसा था भाई सरकार, ये कहते हैं पैसे ही नहीं है, पता नहीं भाई कहाँ इतना ऐसा बढ़िया हाजमा है। माशाल्लाह ऐसा बढ़िया हाजमा है। बताओ, जो लोग सारे देश के हवाई अड्डे हजम कर जाएं, कितना बड़ा पेट होगा। जितने बंदरगाह थे वो हजम कर गए, सोचो कितना बड़ा पेट होगा। लाल किला पेट में रख लिया, अच्छा ताजमहल नहीं रखे ना, वहां फातिहा न पढ़ने आ जाए कोई, खबर नहीं रख रहे पेट में। जहाज रख लिए, शिप रख लिए, लाल किला रख लिया, ताजमहल नहीं रख रहे कि वहां शाहजहां भी है और मुमताज भी है। दीवाने हो गए, नहीं बजाओ, जान लिया कि हम इसे हरा तो नहीं सकते, नाव हटा दे। वाह बादशाह वाह, मैंने कहा था ना बादशाह झूठा नहीं होता और झूठा हो तो बादशाह।